ये खबर भी राजनीति से जुड़ी हुई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस के कमलनाथ और उनकी मंडली को किसानों की चिंता है, ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है। कमल पटेल ने कहा, कांग्रेस ने खुद तो हमेशा किसानों से झूठ बोला और उनके साथ धोखा किया है, अब दिखावे के लिए किसानों की बात कांग्रेस कर रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, इससे ऐसा लगता है कि कमलनाथ और उनकी मंडली को उनका कार्यकाल याद आ रहा है, जब किसानों को कर्ज माफी का झांसा देने के बाद किसानों के सामने खाद का संकट पैदा किया गया और दुगना दाम वसूल कर कालाबाजारी की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति नहीं दिखाई दे रही। कमलनाथ भले ही आंख मूंद कर कुछ ना देखें, लेकिन किसानों की आंखें खुल चुकी हैं, उन्हें कांग्रेस और भाजपा की सरकार का फर्क साफ नजर आ रहा है। दोहरा सवाल खाद का, तो पिछले साल की तुलना में इस जुलाई के माह तक हमने कांग्रेस की सरकार से 30% यूरिया अधिक वितरित कर दिया है, 50% डीएपी अधिक वितरित कर दिया है, और जहां कहीं भी किसान को कोई समस्या आ रही है तो मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमने केंद्रीय खाद उर्वरक मंत्री श्री गोड़ा जी से बात की है, हमारे डीडीएस ने 1,20,000 मेट्रिक टन की अतिरिक्त मांग की है यूरिया की, और वो हमने 1,50,000 मेट्रिक टन यूरिया की मांग भारत सरकार से की, और 43,000 मेट्रिक टन मिल चुका है, 1,00,000 मेट्रिक टन और उन्होंने आश्वस्त किया है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले साल की तुलना में 30% अधिक यूरिया और 50% अधिक डीएपी की हमने व्यवस्था की है और किसानों के यहाँ बांटा है। जहाँ कहीं शिकायत आ रही है कालाबाजारी की, तो हमने उन पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। 46 हमने प्रकरण बनाए, 12 से अधिक लोगों पर FIR की है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैंने तो यहाँ तक कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसान सिर्फ अपने लिए अनाज पैदा नहीं करता, अपने परिवार के लिए नहीं करता, बल्कि देश के लिए करता है। और इसलिए अगर किसान के साथ कोई धोखाधड़ी करता है, मतलब देश के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, और इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करने जा रहे हैं और कार्रवाई हमने की है। कांग्रेस ने तो शुद्ध के लिए युद्ध नहीं किया था, माल कमाने के लिए किया था, कल लूटे जो आज लूटे सो अब कल में सरकार चल जाएगी, इसलिए 15 महीने ने लूटने का काम किया, और अब लूटने वाले लोग हम उनको घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, खून के आंसू की बात कर रहे हैं, तो खून के आंसू तो कांग्रेसियों को निकल रहे हैं कमलनाथ जी, और इनको समझ नहीं बैठ रही हाय कुर्सी हाय सत्ता कहाँ चली गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।